ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीज एसएन मेडिकल कॉलेज यूपी टीबी एसोसिएशन एंड द यूनियन साउथ ईस्ट एशिया रीजन के सहयोग से 3 दिवसीय नेटकॉन 2022 का शुभारंभ 27 फरवरी को किया जा रहा है। ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीज एसएन मेडिकल कॉलेज व यूपी टीबी एसोसिएशन एंड द यूनियन साउथ ईस्ट एशिया रीजन के सहयोग से 3 दिवसीय नेटकॉन 2022 77वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड चेस्ट डिजीज का शुभारंभ 27 फरवरी को किया जा रहा है। नेटकॉन 2022 कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ 27 फरवरी से होगा, जो 27 फरवरी से लेकर के हमारा एक मार्च तक चलेगी। 27 फरवरी को इसमें वर्कशॉप के सेशंस रखे गए। वर्कशॉप जैसा कि हमारा आप जानते हैं, एक ट्रेनिंग का सेशंस होता है डॉक्टर्स के लिए। 8 सेशंस इसमें रखे गए हैं वर्कशॉप्स में, एक हमारे कॉलेज में होना है, एक एसटीडीसी जो यहीं कॉलेज के प्रांगण के सटा हुआ हमारा परिक्षेत्र है, और 5 हमारी वर्कशॉप्स जो हैं, 5 जो इसके सेशंस हैं वो हमारे कॉन्फ्रेंस की जो वेन्यू है वहाँ पर होंगे। और ये जो कॉन्फ्रेंस नेशनल राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन की 77वीं कॉन्फ्रेंस हमारी ये होने जा रही है, आगरा में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, और इसमें 300 से ज़्यादा रिसर्च पेपर आ गए हैं, उन पर गहन मंथन किया जाएगा, चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस हो, लंग कैंसर हो, ILDs हो, निमोनियाज हो, उन सब पर विस्तृत चर्चा होगी। और लंग कैंसर ही नहीं, लंग कैंसर के अलावा जो टीबी की वजह डिस्ट्रॉय लंग हो जाता है उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उससे कैसे पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन पर चर्चा होगी, लंग कैंसर को डायग्नोस कैसे किया जाए, मैनेजमेंट किया जाए, उस पर भी बहुत बड़ी चर्चा होनी है। कार्यशाला का शुभारंभ होटल जेपी पैलेस में 27 फरवरी को शाम 6:30 बजे ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर वीएम कटोच करेंगे। विशिष्ट अतिथि इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट टीबी एंड लंग्स डिजीज के वर्ल्ड प्रेसिडेंट प्रोफेसर गायमार्क ऑस्ट्रेलिया होंगे। कार्यशाला में भारत को 2025 तक टीबी मुक्त देश बनाने के लिए विचार मंथन, इलाज व योजनाओं पर चर्चा होगी। ये 77वीं कॉन्फ्रेंस है, जिसे कि हम नेटकॉन 2022 के नाम से जानते हैं, और ये आगरा में पहली बार हो रही है। इसमें बहुत सारे विषय ट्यूबरक्लोसिस और लंग से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उनसे उठाए जाएंगे, और जो सबसे बड़ा फोकस रहना है वो ये है कि जो ट्यूबरक्लोसिस से होने वाली मौतें हैं उनको हम कैसे कम कर सकें, ना कि सिर्फ मौत कम कर सकें, ना कि बाकी जो उसकी वजह से जो मॉर्बिडिटी होती है उसको हम कैसे कम से कम कर सकते हैं, इस पर जबरदस्त होगी। जगह जगह से, देश विदेश से जो है एक्सपर्ट, टीबी के एक्सपर्ट आएंगे, और टीबी की जो परेशानी है भारत में और इसको किस तरीके से टैकल किया जा सकता है इसके बारे में अपने जो है विचार रखेंगे, और टीबी का जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है उसके बारे में चर्चा होगी, और जो स्पेशली लाइक MDR टीबी के जो मरीज हैं उनके लिए एक वर्कशॉप भी की जा रही है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, जो कि इस समय बहुत बड़ा खतरा है भारत में। एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने पोस्टर विमोचन कार्यक्रम में वक्ष व क्षय रोग विभाग के प्रोफेसर व आयोजन समिति के सचिव डॉक्टर गजेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि कार्यशाला में देश विदेश से लगभग 800 से अधिक विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं, जिसमें 8 वर्कशॉप भी आयोजित की जाएंगी। नेटकॉन 2022 जो कि भारतीय टीबी एसोसिएशन का एक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस होती है टीबी की बीमारी को लेकर के, इस बार सौभाग्य से ये अवसर आगरा को प्राप्त हुआ है। एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा, चेस्ट एसोसिएशन और एसटीडीसी आगरा मिलकर के इस बार इस नेटकॉन को यहाँ पर 27, 28 फरवरी और 1 मार्च को आयोजित करवा रहे हैं। इस नेटकॉन में हिंदुस्तान ही नहीं अपितु बाहर के भी बहुत सारे स्पेशलिस्ट आएंगे, उनके जो अनुभव हैं इस बीमारी के जांच को लेकर के, इलाज को लेकर के, वो अपने सारे अनुभव साझा करेंगे। जो टेक्निक्स हैं उनकी वर्कशॉप होंगी पहले दिन यहाँ पर, जिसमें 2 वर्कशॉप STDC में है और शेष JP होटल में है। 28 तारीख को और 1 तारीख को बहुत सारे पेपर्स प्रेजेंट होंगे टीबी की बीमारी को लेकर, जो नई नई खोजें हुई हैं, जो नए इलाज हैं, जो नई टेक्निक्स हैं, उन पर चर्चा होगी। ये कॉन्फ्रेंस 3 दिन चलेगी, पहला 27 फरवरी, 28 फरवरी और 1 मार्च। 27 फरवरी को वर्कशॉप आयोजित की जाएंगी, जिसमें से 8 वर्क स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसमें से 5 वर्क स्टेशन JP होटल में होंगे, 1 हमारे कॉलेज के रेडियो डायग्नोसिस विभाग में होगा और 2 स्टेट टीवी डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर में होंगे। 28 फरवरी को और 1 मार्च को कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, जिसमें टीबी और टीबी के साथ साथ
अन्य समस्त छाती की बीमारियां जैसे COPD, अस्थमा, ब्रोंकियाक्टेसिस, ILD, पोस्ट कोविड, इन सभी पे एक विस्तृत चर्चा की जाएगी। 5 वर्कशॉप होटल JP में, 1 वर्कशॉप SN मेडिकल कॉलेज व 2 वर्कशॉप TB ट्रेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर में आयोजित की जाएंगी। 4 ओरेशन अवार्ड, 1 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 250 से अधिक शोध पत्र व 10 शोध पत्र को बेस्ट पेपर के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। 26 व 27 फरवरी व 1 मार्च को आयोजित वाली इस कार्यशाला में 1 मार्च को उत्तर प्रदेश स्टेट टास्क फोर्स की कार्यशाला भी क्षय व वक्ष रोग विभाग द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसमें प्रदेश के सभी जिला क्षय रोग अधिकारी व सभी मेडिकल कॉलेज की कोर कमेटी के अधिकारियों की मीटिंग आयोजित की जाएंगी, जिसमें मेडिकल कॉलेज में चलाए जा रहे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम पर चर्चा होगी। सी न्यूज के लिए लक्ष्मी राज सिंह की रिपोर्ट।